झारखंड में बुधवार को कोरोना वायरस के 4 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है और इससे संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी इलाके में 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं गढ़वा जिले से भी एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। गढ़वा में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से सनसनी फैल गई है। खबरों के मुताबिक 60 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने पठान टोली और उससे सटे गढ़देवी इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा था कि अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संक्रमण और गरीबी से पूरी शक्ति से लड़ रही है और उसे कुछ सफलता भी मिल रही है। न्यूज़ डेस्क।